नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है पुनः मोहन राजवाड़े ऑप्शन ट्रेडर यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीक में बाजार का मोमेंट क्या हो सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, कल इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे, क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए हमारा, और वीकली बेसिस पे, वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट में किस तरीके का चार्ट पैटर्न इंडेक्स ने क्रिएट किया है, इसके ऊपर वीडियो में डिटेल बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालो नोटिफिकेशन आप लोग को पहले मिल जाए। तो दोस्तों, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं कुछ चार्ट शेयर करूँ, एक व्यू शेयर करता हूँ आपको। और अक्सर मैं इसे बोलता हूँ दोस्तों कि जब भी आप ट्रेड करने के लिए आए तो आपका एक क्रिस्टल क्लियर व्यू होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास मार्केट में कोई व्यू नहीं है तो फिर आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, या किसी का आप चैनल फॉलो करेंगे, किसी का टिप्स फॉलो करेंगे और गलत ट्रेड करके आप लॉस लेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए एक व्यू आपका होना बहुत जरूरी है और उस व्यू के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना चाहिए, ठीक है, जैसे मैं करता हूँ। तो दोस्तों, जिस रेंज पे बाजार अभी क्लोजिंग दिया है 43,900, और इसे 44,000 कर सकते हैं, ठीक है, 37 में इसका क्लोजिंग दिया है, मतलब 44,000 के रेंज में बाजार क्लोजिंग दिया है। 44,000 के रेंज को बाजार रिस्पेक्ट कर रहा है और एक काफी दिन हो गया, ठीक है, इसी रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, 44,000 के रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। तो अभी भी मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, इसलिए मेरा व्यू बहुत बुलिश है, मैं बुलिश हूं। लेकिन जिस तरीके से अभी ये एक दो दिन में ट्रेड किया है बाजार, ठीक है, और जैसा मेरा पोजीशन था लास्ट डे का, अभी मैं शेयर करूंगा, ठीक है, आप वीडियो को आखिर तक देखिए, बहुत अच्छा आप लोगों का व्यू क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि दोस्तों, जिस तरीके से बाजार यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, राइट, डोजी जैसे कैंडल के साथ, एक बड़े कैंडल के अंदर डोजी जैसे कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया है डेली चार्ट पे। अब इसके लिए ना एक रेजिस्टेंस बन रहा है इधर लगभग 550 पॉइंट ऊपर, 530 पॉइंट ऊपर, और यहाँ से 530 पॉइंट नीचे, 530 पॉइंट बिलो ये सपोर्ट है, 530 पॉइंट ऊपर ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी अल्टीमेट जाने वाला है 45,000 की तरफ, और ये जो बुलिश व्यू है मेरा, ये तब तक बुलिश व्यू है दोस्तों जब तक निफ्टी ऑल टाइम हाई टेस्ट नहीं कर लेता है। जिस दिन निफ्टी ऑल टाइम हाई टेस्ट करेगा, मैं एक रिट्रेसमेंट की एक्सपेक्टेशन करूंगा कि बाजार में एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए। कितना आएगा वो उस समय पता चलेगा जब निफ्टी ऑल टाइम हाई टेस्ट करेगा। जब तक निफ्टी ऑल टाइम हाई टेस्ट करेगा नहीं, बाजार नीचे आएगा नहीं, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है, क्योंकि अगर आना होता तो बाजार अभी तक आ जाता, ये दिखा देता कि मैं नीचे जाने वाला हूं, ठीक है, लेकिन बाजार नीचे आने के लिए तैयार नहीं। निफ्टी में 18,400 लोअर साइड में सपोर्ट है, अपर साइड में 18,670, मतलब 18,700 इसका रेजिस्टेंस है। निफ्टी का ऑल टाइम हाई है 18,890, तो निफ्टी को भी जाना है इधर, ठीक है। आप लोगों को याद होगा, मैं पिछले मंथ जब मई मंथ शुरू हुआ था, ठीक है, तब बाजार यहां था, 1 या 2 मई को, तब मैं आप लोगों को बताया था कि बाजार में स्ट्रॉन्ग मेरा व्यू बुलिश है और एक 15-16 मई के आसपास ऑल टाइम हाई टेस्ट करने वाला है फिनेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी। यकीन करेंगे आप, ये ग्रीन कैंडल 15 मई का है, 15 मई को ही ऑल टाइम हाई टेस्ट किया, लेकिन ये जस्ट इत्तेफाक है, हमेशा ऐसा नहीं होगा दोस्तों। मुझे लगता है इस बार भी निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट करने वाला है इसी सीरीज में, डेट नहीं बोलूंगा क्योंकि हर बार सही नहीं होगा, ठीक है, बट इसी सीरीज में निफ्टी ऑल टाइम हाई टेस्ट करने वाला है। इसके 2-3 रीजन बताता हूं। एक तो इस मंथ में या इसी वीक में जो कल से शुरू होगा, 9 जून को आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी आएगा, और इस मॉनेटरी पॉलिसी में जैसे लास्ट टाइम हुआ था, रेट हाइक हुआ नहीं, और एक अच्छा सेंटिमेंट होगा मार्केट के लिए, मतलब इस बार भी कोई बहुत ज़्यादा चांस नहीं है कि रेट हाइक हो, रेट कट तो शायद ना हो, तो अगर न्यूट्रल व्यू भी आरबीआई रखता है तो इसका एक बहुत अच्छा इम्पेक्ट आएगा। दूसरा, उसी दिन थोड़ा मानसून के बारे में बात होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात होगा, मानसून का स्टार्टिंग होगा,
और स्टार्टिंग अच्छा ही होता है। अगर मानसून डिले नहीं हुआ तो निफ्टी इससे पहले ये ऑल टाइम हाई के आसपास जाएगा और इसके बाद बाजार में एक रिट्रेसमेंट आना जरूरी हो जाएगा। फिर ये रिट्रेसमेंट हम लोग इधर देखेंगे, ठीक है, उस समय पता चलेगा कि कितना आता है, ठीक है। तो हमें ऊपर से शॉर्ट कट रेट मिलेगा, राइट। तो ये हुआ एक क्रिस्टल क्लियर मेरा व्यू, राइट। मैं इसी अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करूंगा। अब मैं थोड़ा सा वीकली चार्ट शेयर करता हूं। ये है वीकली चार्ट। अगर वीकली चार्ट आप देखें तो एक ट्रेंड चल रहा है निफ्टी में कि एक वीक रेड बनेगा, फिर ग्रीन बनेगा, फिर रेड बनेगा, फिर ग्रीन बनेगा, फिर रेड बनेगा, फिर ग्रीन बनेगा। मतलब नेक्स्ट वीक में ग्रीन कैंडल बनने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। बट कैसे होगा और कैसे हमें ट्रेड मिलेगा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बैंक निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, 44,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो बैंक निफ्टी में कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। 3 मंथ ग्रीन कैंडल के बाद एक मंथ में सॉरी यार मंथ बार बार आ रहे हैं, 3 वीक ग्रीन कैंडल के बाद एक वीक रेड कैंडल में क्लोज होना आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मंथली चार्ट देखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लगातार 3 मंथ से ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया है और निफ्टी भी इसी तरीके से कर सकते हैं। ये डोजी कैंडल हुआ और 2 मंथ से ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया है। अब ऑल टाइम हाई जाने से पहले ना इसमें कोई बड़ा पैसा आएगा नहीं, ठीक है। जो भी शॉर्ट करने के लिए तैयार बैठा होगा वो इंतजार कर रहा है कि कब ऑल टाइम हाई टेस्ट करे, एक रेजिस्टेंस बनेगा तो वहां पर एक शॉर्ट लॉजिकली बनेगा, ठीक है। इस रेंज में शॉर्ट करना ठीक नहीं है, ये हर किसी के समझ में आ रहा होगा ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों वापस आते हैं डेली चार्ट में। अब आप ना एक पॉइंट नोट करिए कि निफ्टी में लोअर साइड 18,400, अगर मार्केट 18,400 के आसपास आता है तो बॉटम से हमें आईटीएम पुट शॉर्ट करना चाहिए और मार्केट में यहां तक का टारगेट रखना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट पहले ऊपर जाता है, ठीक है, तो ऊपर में रेजिस्टेंस पॉइंट, ऊपर से फिर नीचे आएगा बाजार, ऐसा व्यू होना चाहिए। लेकिन ऊपर से मैं कॉल सेल करना प्रीफर नहीं करूंगा। मे बी कल गैप अप खुले, जैसे वर्ल्ड मार्केट काफी पॉजिटिव था कल, ठीक है, हो सकता है कल गैप अप खुले, बट ऊपर से मैं ट्रेड अवॉइड करूंगा शॉर्ट करने के लिए। अगर ऊपर से ऊपर ही मूवमेंट करते जाता है मार्केट तो 50-60 पॉइंट का ऐसे लेके मॉर्निंग में ही आइडिया लग जाएगा, हम लोग हायर साइड का पोजिशन बना देंगे, क्योंकि बाजार इस रेंज से ऊपर निकल सकता है लेकिन इसके नीचे आएगा इसकी संभावना बहुत कम है, ठीक है। इसलिए अगर मार्केट नीचे आता है, अगर मार्केट नीचे आता है तो लोअर लेवल से हम लोग आईटीएम पुट शॉर्ट करेंगे और इस हायर साइड तक का टारगेट रखेंगे, ठीक है। निफ्टी में आप 40 पॉइंट से ज्यादा कैसेल नहीं रखना पड़ेगा आपको और बैंक निफ्टी में 50-60 पॉइंट से ज्यादा कैसेल रखना नहीं पड़ेगा आपको। और इसी स्टॉप लॉस के साथ मैं आप लोगों को लास्ट डे भी ट्रेड दिया था, मुझे लास्ट डे ही बाजार अपर साइड में दिख रहा था, ठीक है। तो अगर मार्केट मुझे, जैसे मैंने कल ट्रेड लिया था, राइट, और मैं ट्रेड यहीं पर बनाया था एक्सपायरी डे में, फिर गैप अप खुला मॉर्निंग में लगभग 1,50,000 70,000 प्रॉफिट में था, फिर बाजार नीचे आ गया, फिर मेरा प्रॉफिट 1,00,000 1,25,000 आसपास माइनस में आ गया। इसके बाद बाजार ऊपर गया, मैं लगभग 3 लाख प्रॉफिट में आ गया। इसके बाद बाजार नीचे आया तो ये मेरा प्रॉफिट 6,000 7,000 माइनस में आ गया, तो मैं अल्टीमेट यहाँ पर पोजिशन क्लोज कर लिया और आखिरी में नजर आया कि मार्केट लो के आसपास क्लोजिंग दिया है। एक बार तो लग रहा था जब बाजार यहाँ गया था तो कि मैं शायद ट्रेप हो गया हूँ, और अभी भी लग रहा है कि मैं ट्रेप हो गया हूँ, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट जिस तरीके से पॉजिटिव है लगता है थोड़ा गैप अप खुलने वाला है कल, ठीक है। और गैप अप खुल के बाजार किधर जाएगा पता नहीं, वो तो 15 मिनट सेटअप देखने के बाद पता चलेगा कि मार्केट का मूवमेंट कैसे आने वाला है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट और लॉस में किस तरीके से वोलेटाइल हुआ, इसी तरीके से यहाँ पर चार्ट वोलेटाइल हुआ। मतलब लास्ट डे की क्लोजिंग हाईली वोलेटाइल रहा, गैप अप खुला, डे लो ब्रेक किया, अगेन डे हाई ब्रेक किया, फिर से डे लो के आसपास आया, फिर मिड तक गया और अगेन लो के आसपास आके क्लोजिंग दिया। तो बहुत वोलेटाइल रहा मार्केट लास्ट डे, ठीक है। हालांकि बहुत छोटे रेंज में ट्रेड किया है लेकिन वोलेटाइल है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ऊपर में एक रेजिस्टेंस है, नीचे में एक सपोर्ट है। बाजार अगर ऊपर जाता है तो पहले नीचे आना चाहिए, ठीक है, और अगर नीचे आता है तो बाजार पहले ऊपर जाना चाहिए। मुझे लगता है कि बाजार खुल के नीचे आ जाएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा, लोअर बॉटम से ट्रेड बनाएंगे और ये ट्रेड हमें यहां तक लेके जा सकता है। तो फिर आईटीएम पुट शॉर्ट करना प्रीफर करेंगे, ये बिल्कुल दिमाग में क्रिस्टल क्लियर व्यू
होना चाहिए। ठीक है, ऐसे व्यू के साथ कल मार्केट में जाएंगे ट्रेड करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि कल मॉर्निंग में ट्रेड कैसे करेंगे। सिंपल, वर्ल्ड मार्केट काफी पॉजिटिव है, थोड़ा वर्ल्ड मार्केट का चार्ट शेयर करना चाहूंगा मैं। लगभग 2% ऊपर डाउ है, 100 पॉइंट ऊपर आपका नैसडेक है। पूरे वर्ल्ड मार्केट बहुत पॉजिटिव था। एसजेक्स निफ्टी भी हमारा 88 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, अगर यही 88 पॉइंट ऊपर लास्ट डे ही क्लोजिंग दिया होता जो यहाँ से नीचे आ गया, तो शायद मैं 3 लाख के जगह 6 लाख प्रॉफिट में रहता, क्योंकि मेरे पास फ्यूचर बाई था, मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट में रहता। बट ठीक है, बाजार ऊपर चला गया और हमने पोजिशन को स्क्वायर अप किया। मैंने पोजिशन स्क्वायर अप इसलिए किया क्योंकि मुझे दोबारा ट्रेड करने का चांस मिलेगा, ऐसा मान के मैंने पोजिशन स्क्वायर अप किया और मैंने कुछ खोया नहीं। ठीक है, हालांकि 3 लाख प्रॉफिट था बट वो मार्केट से मिला था, मेरे अकाउंट से नहीं गया है। ओके, तो दोस्तों कल के लिए ना इम्पोर्टेंट लेवल नोट करिए। देखिए, कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल ये पॉइंट है। मैंने आप लोगों को एक ट्रेड दिया था, याद होगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ट्रेड दिया था, इस लो कैसे डाल के 50-60 पॉइंट कैसे लगा, फिर हम लोगों ने यहाँ ट्रेड लिया, लगभग 150 पॉइंट मिला होगा। मैं बताया था कि इस ट्रेड को ना स्टॉप लॉस कॉस्ट का डाल के कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, इसमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, ट्रेड मेरे लिए बड़ा होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। कल आप नजर रखिए दोस्तों, 44,200, अगर बाजार 44,200 के ऊपर ओपन होता है और पहले 15 में टिक जाता है, सपोज करो कि बाजार गैप अप ओपन हुआ, राइट, इधर गैप अप ओपन हुआ, पहले 15 मिनट ग्रीन ही रहता है, या पहले 15 मिनट के अंदर 2-3-4 कैंडल इनसाइड होता है, मतलब फर्स्ट कैंडल के हाई को अगर ब्रेकआउट किया, तो आप इसमें जो भी इधर का लो रहे, मैक्सिमम आप इसे 50-60 पॉइंट का एसएल डाल के, ठीक है, कोई आईटीएम शॉर्ट पुट शॉर्ट प्रीफर करें 45,000 का, मैं इसे ही शॉर्ट कर रहा हूँ आजकल एवरीडे। ठीक है, तो इसका ट्रेड आपको इंट्राडे में यहाँ तक मिल सकता है। अगर यहाँ तक चले जाता है तो इंट्राडे का ट्रेड आपका क्लोज हो जाना चाहिए, और अगर कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो आप इसमें हेजिंग के साथ कैरी कर सकते हैं, कोई एटीएम का पुट बाई करके पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। मैं ये ट्रेड प्लान करूंगा, फिर से शेयर करता हूँ। गैप अप खुल सकता है मार्केट, लेकिन 44,200 के ऊपर ही पॉजिटिव हो सकता है। अगर 44,200 के ऊपर पहले 15 मिनट का हाई ब्रेक करता है किसी और कैंडल में, पहले 15 मिनट तो वेट करना पड़ेगा, इसके बाद अगर कोई कैंडल ब्रेकआउट करता है तो 50-60 पॉइंट कैसे लेके इसमें ट्रेड का प्लान करना चाहिए, और ट्रेड का इंट्राडे का टारगेट 44,600-700 की तरफ हो सकता है। ये ट्रेड प्लान होना चाहिए इंट्राडे के लिए। ठीक है, दूसरा, अगर पहले 15 मिनट का कैंडल रेड बनता है, फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल अगर रेड बनता है और रेड कैंडल बन के अगर कंटिन्यू भी नीचे आता तो मैं इसे नीचे आने दूंगा। ठीक है, हालांकि नीचे की तरफ आएगा तो बहुत स्लोली आएगा ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा इंट्राडे में, इसे 43,800 के आसपास सपोर्ट मिल सकता है। इंट्राडे में हम लोग यहाँ पर कोई अच्छा सेटअप मिलेगा तो ट्रेड प्लान अगेन 44,200 की तरफ का बना सकते हैं। अगर ये पहले 15 मिनट में रेड कैंडल बन के नीचे आता है तो जब तक आ रहा है आने देंगे, कोई रिवर्सल सेटअप मिलना चाहिए छोटे टाइम फ्रेम में, जैसे लास्ट डे मैंने एक छोटे टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड दिया था, आप यहाँ पर देखिए। ठीक है, प्राइस नीचे आया, मैं शॉर्ट अवॉइड किया, लेकिन जब यहाँ से ऐसे प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा था ना, तो मैं इसका एसएल डाला, इसके ऊपर ट्रेड किया और एक कितना अच्छा ट्रेड मिला। तो इसी टाइप का ट्रेड मिलेगा, ठीक है, जब प्राइस नीचे आएगा तब। ओके, तो पहले अगर नीचे आ रहा है मार्केट तो पहले बाजार को नीचे आने देंगे। ठीक है, हो सकता है कि बाजार इसी वे में यहां भी चले जाए, तो हम यहां से बड़ा ट्रेड बनाएंगे ना रिवर्सल का, हमें यहां से ट्रेड बड़ा मिलेगा, फिर हम लोग 43,400 या 500 के आसपास 45,000 का आईटीएम पुट शॉर्ट करेंगे, इसमें हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, या फिर 44,500 का भी प्रीफर कर सकते हैं यहां पर शॉर्ट करने के लिए, हमें इसमें एक बड़ा ट्रेड मिलेगा। ठीक है, तो पहले बाजार को नीचे आने देंगे, शॉर्ट में अवॉइड करूंगा, ठीक है, शॉर्ट अवॉइड करूंगा, लेकिन नीचे से जब रिवर्स होगा तो मैं बाय अवॉइड नहीं करूंगा, उसे मैं हैवी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूंगा। अगर यहां पर आ गया तो मैं फुल क्वांटिटी इसमें ट्रेड डालूंगा। ठीक है, यहां पर रहा, यहां पर ट्रेड मिला, तो मैं छोटे क्वांटिटी के साथ इंट्राडे के पर्पज से ट्रेड करूंगा और टारगेट इधर का रखूंगा, 200-300 पॉइंट से ज्यादा का ट्रेड शायद ना मिले इंट्राडे में। यही हुआ व्यू आपका बैंक निफ्टी में। अब चलिए निफ्टी, निफ्टी का लेवल दोस्तों सेम, इस हाई के ऊपर निफ्टी बुलिश हो सकता है। अगर निफ्टी 18,580 के ऊपर, 580 या 600 मान लीजिए, 18,600 के ऊपर अगर एक ओपन होता है, ठीक है, मे बी यहां पर ओपन हो सकता है, पहले 15 मिनट जरूर वेट करेंगे, फर्स्ट 15 मिनट वेट करेंगे, अगर फर्स्ट 15 मिनट के बाद थोड़ा इनसाइड हो जाए तो बहुत अच्छा है,
दो तीन चार कैंडल इनसाइड हो जाए बहुत बढ़िया है। फिर जब भी हाई को ब्रेकआउट करे, ठीक है, चाहे एक कैंडल रेड बनता है या ग्रीन बनता है, डजेंट मैटर। मैटर ये है कि आप पहले 15 मिनट के कैंडल का हाई ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट हुआ मतलब बाई, इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट हुआ मतलब बाई, इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट हुआ मतलब बाई। अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, बाई नहीं है। इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट हो रहा है, नहीं हो रहा है, बाई नहीं है। ब्रेकआउट हुआ, निफ्टी में 30-40 पॉइंट से ज्यादा कैसल रखना नहीं पड़ेगा, हम लोग इसमें शॉर्ट करेंगे। और इसमें शॉर्ट करेंगे 18,800 का, फिर 18,900 का, आप 19,000 का भी शॉर्ट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैसा सब में मिलेगा, ठीक है। 30-40 पॉइंट का ही ऐसे लगेगा, चाहे आप जिसको शॉर्ट करें आईटीएम। स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्ट होना चाहिए, फिर आप कोई भी शॉर्ट कर सकते हैं। इंट्राडे का टारगेट आपका यहाँ बन जाएगा, ठीक है, इंट्राडे का टारगेट यहाँ तक होना चाहिए। और अगर यहाँ क्लोज कर गया तो कोई 50-60 पॉइंट कैसे बाई करो, पोजिशन को कैरी फॉरवर्ड करो, अगले दिन एक बढ़िया गैप अप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, अगर हायर साइड में क्लोजिंग दिया तो, ठीक है। बहुत सिंपल, खुल के नीचे आता है आने दो, हमें यहाँ पर रिवर्सल का ट्रेड मिल सकता है 18,500 के आसपास। यहाँ से कोई रिवर्सल का प्लान कर सकते हैं 25-30 पॉइंट कैसे डाल के, या फिर प्राइस यहाँ आ जाए तब तो यहाँ छोड़ेंगे नहीं, 18,400 में तो मिस करना ही नहीं, इतना व्यू क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो बॉटम से भी हम लोग बाई का प्लान करेंगे। ये हुआ दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। इस व्यू के साथ हम लोग कल मार्केट में जाएंगे, मुझे लगता है एक अच्छा ट्रेड हमें मिलना चाहिए। ओके चलिए, अब कुछ स्टॉक शेयर करता हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। देखिए बैंक निफ्टी नीचे से ऊपर क्यों जाना चाहिए और ऊपर से ऊपर क्यों नहीं जाना चाहिए, ठीक है, इसका एक व्यू स्टॉक से पता चलेगा। एचडीएफसी बैंक कोई बुलिश दिख रहा है नहीं, लेकिन सपोर्ट के पास है, इसलिए नीचे से ऊपर जाना चाहिए। एक्सिस बैंक क्या इस ऊपर से ऊपर जाने वाला है, नहीं, अभी बड़े कैंडल के अंदर इनसाइड हो रहा है, मतलब अभी साइडवेज और ट्रेड करेगा, फिर ब्रेकआउट करने वाला है। इंडसइंड बैंक एकमात्र बैंक है जो बहुत बुलिश लग रहा है, अभी और ऊपर की तरफ जाएगा। मैं इधर ब्रेकआउट में बताया था आप लोगों को, ठीक है, तब मैं बताया था ये 1240 की तरफ जाएगा, उसके ऊपर जा चुका है। आईसीआईसी बैंक क्या इसी वे में ऊपर दिखता है, नहीं दिखता है मुझे, मतलब नीचे से ऊपर दिखता है। कोटक बैंक साइडवेज दिखता है या थोड़ा नीचे से ऊपर जाते हुए दिखता है। एसबीआई क्या बुलिश दिखता है, बिल्कुल नहीं दिखता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाजार नीचे से ऊपर जाएगा ट्रेड हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा। तो इसलिए मेरा व्यू है कि पहले बाजार मुझे नीचे मिले तो मैं इसमें हायर साइड का ट्रेड बनाऊं। गैप अप खुल के थोड़ा संभावना कम है कि ऊपर जाए, लेकिन अगर जाता है तो बाजार के साथ जाना हमारा मतलब अच्छा लॉजिक होना चाहिए, ठीक है, बाजार के साथ जाना ही हमें चाहिए, हो सकता है कि हमारा व्यू गलत हो जाए, राइट। तो इस लॉजिक के साथ दोस्तों कल हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। चलिए अब स्टॉक शेयर करता हूं कल कैसे ट्रेड करेंगे। फर्स्ट स्टॉक दोस्तों ये है इन्फोसिस, आप लोगों को याद होगा मैंने यहाँ ट्रेड दिया था, एक अच्छा मूवमेंट दिया, मेरा टारगेट इसका 1360 है, लेकिन यहीं से वापस आ गया है। अभी लोअर बॉटम से फिर आपको ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आएगा, अगर ये मुझे 1280 के आसपास मिलता है तो मैं कल प्रीफर करूंगा बाई करने के लिए। एक्स डिविडेंड के कारण कल नीचे आया है, थोड़ा और नीचे चाहिए मुझे, इस रीटेस्ट में मिलेगा तो मैं बाई प्लान करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए बजाज फिनसर्व कल ये मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा था, मेरे पास 2000 क्वांटिटी था, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे रहा था, लगभग मुझे प्रॉफिट दे रहा था 35-36 हजार, लास्ट में 10 हजार प्रॉफिट में क्लोज हुआ, ठीक है। ये स्टॉक फिर से आपको एक ट्रेड देने वाला है, जब ये 1445 के पास मिल जाए, तब 1445 के पास इंट्राडे में मिले तो 10 रुपए के सेल डाल के ट्रेड करेंगे, या जब इसके ऊपर ब्रेकआउट हो जाए तब ये मूवमेंट देगा। मैं प्रीफर करूंगा यहाँ पर ट्रेड करने के लिए, कल अगर इस भाव में मिलता है हम लोग बाई प्लान करेंगे बजाज फिनसर में। मैंने इसका एक हेजिंग के साथ ट्रेड दिया हुआ है ऑलरेडी आप लोगों के लिए, ठीक है, 1400 के नीचे के स्टॉप लॉस डाल के। अभी टारगेट इसका 1560 की तरफ का है, मुझे लगता है इस मंथ में ये ट्रेड दे देगा, ठीक है, ये एक दो दिन में निकलेगा और ये निकलेगा बड़ा, ठीक है, इस टाइप का मूवमेंट देने वाला है, बड़ा मूवमेंट देने वाला है ऐसा मुझे लगता है। जिस दिन इसके ऊपर निकल जाए ये मूवमेंट लगभग 2-3% का हो सकता है, ठीक है। अगर कल ये मिलता है 1445 या 1450 के रेंज में, ठीक है, 1445 1450 के रेंज में, आप इसमें ना एटीएम का कॉल बाई कर सकते हैं, 1460 का कॉल आप बाई कर सकते हैं, इसमें भी एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, 5 रुपए ज्यादा की स्टॉप लॉस आपको कॉल ऑप्शन में रखना नहीं पड़ेगा। आईएक्स, ठीक है, मेरा टारगेट डन नहीं हुआ है, मेरा टारगेट इधर है, एक टारगेट डन हुआ, हम लोग यहाँ ट्रेड लिए थे, सेम रेंज में आ गया है 152 में। कल हमें पहले 15 मिनट वेट करना है इस स्टॉक को, अगर पहले 15 मिनट में इसका कैंडल बुलिश रहता है, ठीक है, पहले 15 मिनट में
इसी रेंज में हमें चाहिए, ठीक है, 152 के आसपास, 152-50 के रेंज में हमें चाहिए, ठीक है, 20-25 पैसा ऊपर नीचे हो सकता है। अगर इस रेंज में मिलता है हम बाई करेंगे, इंट्राडे का टारगेट कम से कम 155 के आसपास रखेंगे, और 155 के ऊपर गया तो 160 का टारगेट भी आपको एक दो दिन में दिखा देगा। पोजिशनल भी कर सकते हैं, एक ट्रेड अच्छा मिल जाना चाहिए आपको IEX में कल। लुपिन, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेड के पर्पज में है दोस्तों, इसके लिए अलग वीडियो मुझे बनाना चाहिए था लेकिन समय नहीं मिला तो नहीं बना पाया मैं, ठीक है। आप इसको देखो, डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, टारगेट आप इसको 1200 का रखो, 816 चल रहा है, 816-17 चल रहा है, यहाँ पर बाई करना है आपको, इस लो का एसएल डालना है, ठीक है। ये लो कहाँ पर है, 650 का एसएल है, 817 चल रहा है, 1200 का मिनिमम इसका टारगेट होगा। चाहो तो इसे पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट करें आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि मैं कोई रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, मेरा राइट नहीं है एडवाइस देने का। ये चार्ट मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, मैं इसे परचेस करूंगा इसलिए भी मैं आप लोगों को इसे बता रहा हूँ, चाहे तो आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ओके। तो दोस्तों इस वीडियो में, आज के वीडियो में यहीं तक, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।